कि फिल्म का शूटिंग कर रहे हैं, लाओ जी मोबाइल लाओ, लाओ थोड़ा मोबाइल का फिल्म का प्रमोशन कर दे रहे हैं। बहुत सारा लोग बोल रहा है कि फिल्म फ्लॉप हो गया है, डिस हो गया, डेट हो गया, लाओ थोड़ा प्रमोशन कर देते हैं। बहुत सारा फैंस लोग नाराज भी है, बोल रहा है कि फिल्म का प्रमोशन नहीं हुआ, लाओ प्रमोशन कर देते हैं। जब ट्रेलर आया उस दिन तुम जब बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव का फिल्म कोई नहीं खरीद रहा, खरीदने का औकात नहीं है किसी का, खेसारी लाल यादव का जो फिल्म है ना वो किसी का। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। अभी पवन सिंह का लाइव देखें, इतिहास मशीन खेसारी लाल यादव का लाइव देखें। तो आइए सबसे पहले पवन सिंह के लिए चर्चा कर लेते हैं। पवन सिंह जी आते हैं लाइव हर हर गंगे के लिए, हमारा फिल्म आ रहा है, आप लोग देखिए, भरपूर प्यार दीजिए, जनता का सपोर्ट, डिश डैट पूरा। तो पवन भैया, इस वीडियो के माध्यम से आपको पहले बता दें कि लाइव से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जी हाँ, बिहार में जितना सिनेमा घर है ना, रो रहा है। एक दिन देखे इंटरव्यू हम, समझे ना, पटना वाला बीना सिनेमा हॉल का, जिसमें बोल रहा है वहां का जो स्टाफ है शायद, कि एकदम नहीं, कोई फिल्में नहीं चल रहा है, पवन खेसारी कोई फिल्में नहीं चल रहा है, इस टाइप से भोजपुरी गोसिप पे शायद देखे थे, वही जो भी है। जब देखे भैया एकदम मैंने दिल टूट गया। उन लोगों का कहना है हॉल वाले का कि पवन सिंह चाहे किसी भी स्टार का फिल्म लगे तो वो स्टार खुद चल के आए सिनेमा हॉल और अपने फिल्म का प्रचार करे, प्रमोशन करे, ही नहीं लाइव में आ गए। एगो मैनेजर तो एगो राइटर, वैसे फिल्म का प्रमोशन नहीं होगा। यदि फिल्म को सच में कमाई करना है, यदि फिल्म को सच में बड़े लेवल तक पहुंचाना, तो प्रमोशन जरूरी है। और प्रमोशन तभी होगा जब आप हॉल पे जाइएगा, ये नहीं कि फिल्म का शूटिंग कर रहे हैं, लाओ जी मोबाइल लाओ, लाओ थोड़ा मोबाइल का फिल्म का प्रमोशन कर दे रहे हैं। बहुत सारा लोग बोल रहा है कि फिल्म फ्लॉप हो गया है, डिस हो गया, डेट हो गया, लाओ थोड़ा प्रमोशन कर देते हैं। बहुत सारा फैंस लोग नाराज भी है, बोल रहा है कि फिल्म का प्रमोशन नहीं हुआ, लाओ प्रमोशन कर देते हैं। जब ट्रेलर आया उस दिन कोनो पवन सिंह का टीम से लाइव नहीं आया, जहां तक मुझे लगता है। कोई यदि लाइव आया होगा पवन सिंह का फिल्म को लेकर के, हर हर गंगे को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ट्रेलर आया कुछ नहीं, ट्रेलर छोड़ दिया। हाँ, पवन सिंह एक स्टेज शो में बोले थे कि 2 तारीख हमारा ट्रेलर आ रहा है, समझे ना। आप बोलिए इतना बड़ा फिल्म, इतना महान फिल्म बोल रहे हैं आप लोग, सुपर डुपर बहुत करोड़ों का फिल्म है ये, और 1 मिलियन ट्रेलर का व्यूज नहीं गया, तो क्या है फिल्म, बताइए। अब खेसारी लाल यादव का संघर्ष 2 के बारे में अफवाह फैलाया जा रहा है कि ना खेसारी लाल यादव का फिल्म कोई खरीद में नहीं कर रहा है। तो खेसारी लाल यादव का फिल्म तुम बोरा पहले लगेगा नहीं, उसके बाद बोरा कोई खरीदेगा नहीं, तो तुमको बता दे मूढ़बत्ती, खेसारी लाल यादव का फिल्म लगेगा। खेसारी लाल यादव ने लाइव में बोला है, खेसारी लाल यादव के लाइव के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले तुमको बता दें, तुम जब बोल रहे कि खेसारी लाल यादव का फिल्म कोई नहीं खरीद रहा, खरीदने का औकात नहीं है किसी का, खेसारी लाल यादव का जो फिल्म है ना वो किसी का खरीदने का औकात नहीं है, समझे ना। इतना बड़ा फिल्म, इतना महंगा बजट वाला फिल्म है, ट्रेलर गर्दा उड़ा के धर दिया, ट्रेंडिंग में गया ट्रेलर, सभी लोगों को भरपूर प्यार दिया, अब पैसवा होगा तब ना उतना बड़ा फिल्म खरीदेगा। तुम बोलो अब पवन सिंह के साथ संघर्ष 2 का फिल्म रिलीज हो रहा, विवाद होगा, विवाद में फिल्म चलेगा, अरे मूढ़बत्ती, तुम जिंदगी भर मूढ़बत्ती रह जाएगा। खैर, तुमको ज्यादा ज्ञान देने से मना है, क्या बोले तो ज्यादा कुछ बोल बोलबेन करेंगे। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइए, और जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं आप ही लोग बताइए, पवन सिंह का फिल्म आता है, खेसारी लाल यादव का फिल्म आता है, यदि फिल्म को सुपर डुपर हिट प्रमोशन यदि दिल से करना है तो हॉल में जाके प्रमोशन कीजिए, जहां जहां फिल्म लगा वहां जाके प्रमोशन कीजिए। आप लोग गाना का प्रमोशन करते हैं, सब यूट्यूबर को बुलाते हैं, ग्रैंड लॉन्चिंग करते हैं, डिश डैट करते हैं गाना का, गाना का आप लोग प्रमोशन के लिए लाखों लोग को बुला लेते हैं, फिल्म का प्रमोशन कीजिए, चाहे खेसारी भैया हो चाहे पवन भैया हो। खैर, बतवा हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो मेरा साफ साफ बनाने का यही मकसद है कि पवन सिंह का फिल्म आए, खेसारी लाल यादव का फिल्म आए, तो आप लोग हॉल तक जाके प्रमोशन कीजिए, ताकि आप लोग वो लोग देखने के लिए लाखों लोग आएंगे तो लाखों लोग फिल्म देखेंगे, ताकि हॉल वाले को भी कमाई हो, समझे ना। खैर, ज्यादा नहीं बोलेंगे आप, बाकी फिल्म मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद, आई लव यू, जय जय श्री राम।